ये इंट्रो क्लास समझ लो साउंड के लिए. ये जो आप वेव्स करोगे ना, ये आपका इट विल हॉन्ट यू लाइक एनीथिंग. इट विल हॉन्ट यू. ये वेव्स आपको जरूरत पड़ेगा वेन एवर यू रीड लाइट इन ग्रेड 12, वेन एवर यू रीड ऑल्टरनेटिंग करेंट दैट इज इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, ये आपको एकॉस्टिक्स में आएगा, यानी कि साउंड के चैप्टर में आएगा. आगे चल के अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो ये आपको वाइब्रेशंस में आएगा. फिर ये आपको एक और चैप्टर है क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ पे आएगा. तो यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम वेव्स एंड अनलेस योर कॉन्सेप्ट ऑफ वेव इज क्लियर, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी बच्चा द नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल स्टडी, दैट चैप्टर विल बी दिस. एकॉस्टिक्स का एक और नाम होता है साउंड. तो वेव इसमें भी है, ठीक है. तो वेव को कैसे समझते हैं? वेव्स इज समथिंग लाइक, वेव को प्यार समझ लो. प्यार, माँ का प्यार, भाई बहन का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार, बट दैट लव इज ओमनी प्रेजेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड लव, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज वेव टुडे. इनफैक्ट व्होमएवर आई टीच साइंस, later on your chapter will be clear automatically. One are your concepts, like, see, I'll tell you some things you'll learn in this chapter: amplitude, frequency, then there will be time period. Ye sab sirf sound mein nahi hai, ye har cheez mein hai. Tomorrow if you're a mechanical engineer and you are designing washing machine ke niche ka bushes design kar rahe ho, washing machine to git 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 vibrate kar raha hai, har cheez mein wave aayega, theek hai. To thoda sa wave ko samajhne ki koshish karte hain, theek hai. Before understanding wave, we need to first understand a concept which is called pehla concept. Okay, our first concept is periodic motion. Ye sab aap padhe ho grade 6 mein. Periodic motion kaisa motion hai? A motion that repeats itself after a fixed regular interval is called periodic motion. ओके, आफ्टर ए फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं. मोशन रिपीट करना चाहिए. कैसा? जैसे द अर्थ गोइंग अराउंड द सन, इट रिपीट्स एवरी 365 1/4 डे, उसका पीरियड है, उसके बाद वो फिर रिपीट कर रहा है. आप मेरे घर पे आना, पीरियोडिक मोशन है हमेशा. मान लो एक दिन आते थे, हर 7 डेज के बाद आप आ रहे हो. एनीथिंग विच इज रिपीटिंग आफ्टर ए पीरियोडिक इंटरवल. Let us say that there is a rocking chair and old granddad is rocking. ये अगर साउंड दे दूं ना आपको और आप थोड़ी देर देखते हो ये टक 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 होता है, then after some time you can also narrate टक 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 because you have understood the period. समझ में आ रहा है? Suppose यहाँ पे अभी ये जो ढोलकी बजाते हैं भांगड़ा वांगड़ा में या दुर्गा पूजा ढोलकी बज रहा है टक टम टम टक टम टम, तो अगर वो बीच में रुक भी जाए ना, आप आगे के रिदम्स बोल सकते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पीरियोडिक मोशन, ये रिपीट कर रहा है. वेव्स आर यूज, वेव्स कैन बी यूज टू डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन. किसी भी अब वाइब्रेशन इज इट अ पीरियोडिक मोशन? यस, इट्स अ पीरियोडिक मोशन. एक्सो ब्लेड खाच 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 खाच, पीरियोडिक मोशन. इसको हम कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. तो आप पिस्टन पढ़ो, जहां पढ़ो, लाइट पढ़ो, जो पढ़ो, आपको पीरियोडिक मोशन, मतलब पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेव्स चाहिए, ठीक है. अब थोड़ी देर के लिए समझते हैं दैट वेव होता क्या है, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेव. वेव इज अ पिक्टोरियल फॉर्मेट ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन. वेव को बेटा हम लोग कहते हैं, वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस. ये एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है और ये डिस्टर्बेंस जो है ये प्रोपगेट करता है. यहां आपको भी बहुत सारा क्वेरीज आएगा. ये प्रोपगेट डिस्टर्बेंस प्रोपगेट्स. लेट अस अंडरस्टैंड. हैव वी ऑल एटलीस्ट सीन अ क्रिकेट मैच और अ फुटबॉल मैच व्हेन यू हैव अ मैक्सिकन वेव गोइंग अप? ठीक है, तो मैक्सिकन वेव कैसा होता है? पीपल स्टैंड अप, पुट देयर हैंड्स अप. You know what is a Mexican wave, right? It started from Mexico 86. So the people who are standing here, they see on this side that there is a wave which is created. And you feel that that wave is coming towards you.
Is any person coming towards you? No. So let's say we have somebody called, Jenny and Bill. Jenny and Bill are sitting at their particular place. And there can be many Jenny, Bill and Stephanie and all whatnot, but a wave comes to you. Do you understand? It's a periodic disturbance that propagates. Particles who are constituting the wave do not get displaced from their position. There's a relative motion, there's a disturbance. If I consider both of them as particles, okay, if you consider them as particles, okay, particles do not change position. Ye particle apna position change nahi karta hai. Only thing that happens is wave propagates. Ye ek tarah ka example hua. This is one type of example. एक और एग्जाम्पल समझते हैं. जब तक वेव क्लियर नहीं होगा आपको ये सब दिस होल थिंग विल नॉट बी क्लियर टू यू. बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे. ठीक है. तो फर्स्ट लेट्स लेट वेव बी क्लियर. ओके. नाउ से सपोज यू आर इन क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया. ओके. और आप बीच में रुके हैं. आप यहाँ पे रुके हैं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? दैट वेव्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू. आपको फील होता है ना कि वॉटर इज कमिंग टूवर्ड्स यू. वॉटर डजंट कम टूवर्ड्स यू. इफ वॉटर वुडंट कम टू यू देन देयर इज अ स्मॉल प्यारा सा गिलीमोथ रहता है यहां. ये ऑस्ट्रेलियन पक्षी है. आप क्या देखोगे पता है? आपको लगेगा कि वेव आपकी तरफ आ रहा है. वेव आपकी तरफ नहीं आता है. सॉरी, वेव आपकी तरफ आता है. ये गिलीमोथ अपने जगह पे गोता खाता है. एक टक 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 करते थे. द वेव कम्स टू यू, द डिस्टर्बेंस कम्स टू यू, द पार्टिकल्स डोंट कम टू यू. इफ द पार्टिकल्स वुड हैव कम टू यू, दिस गिलीमोथ शुड हैव कम टू यू. इट डजंट कम. सो द वॉटर विच इज हियर, वंस इट विल सी एन अपवर्ड मूवमेंट एंड वंस इट विल सी अ डाउनवर्ड मूवमेंट. बट दिस वॉटर, सॉरी, दिस वॉटर डज नॉट चेंज इज पोजिशन टू हियर, नीदर दिस वॉटर कम्स हियर. सो डू यू अंडरस्टैंड वंस अगेन that it is the disturbance that propagates. So this was our, say, this was our second example. Okay, ye hamara second example hai wave ke upar. Let's see a third example. All of us have done that. A throw a stone in a stagnant pool. If you throw a stone in a stagnant pool, then what do you see getting created? Ripples get created. Okay, so let's say we have one ripple, then one more ripple, then one more ripple. Aisa ripple create hoga. और आपने डिस्टर्बेंस कहां में किया है बच्चा? आपने डिस्टर्बेंस दिया है यहां पे डिस्टर्बेंस दिया है. इफ यू फील दैट व्हाट हैपेंस टू दीज रिपल्स, ये रिपल्स ऐसे जाते रहते हैं ना, दे प्रोपोगेट करते हैं ऐसे. आपको फील होता है दैट द वॉटर इज गोइंग अवे. इफ यू आर नॉट श्योर यू कैन पुट अ लीफ आउट हियर एंड यू विल सी द लीफ इज स्टेइंग एग्जैक्टली एट द सेम पोजिशन. डिस्टर्बेंस जाता है, द डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट्स. पार्टिकल्स who are a part that doesn't. So where is the disturbance propagates? Now we make it a little bit more clear that the disturbance propagates, we will say, through a medium. The disturbance propagates through a medium. And let's revisit all the three examples. Particles. So who were the medium? If you see the medium here, the crowd was the medium. The crowd was the medium. And particles of the medium, ye jo particles of the medium hai na, they do not change their position. Well, they do not change their position means they do not propagate. As simple as that. ये चीज समझ में आ रहा है? They do not propagate. यहां पे medium कौन था बेटा? Water was the medium. ठीक है ना? यहां पे medium कौन है? यहां पे भी water medium है. ये clear हो रहा है आपको? First of all, अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है, then you do one thing. You go to the gymnasium. And in the gymnasium, there will be one exercising device, which is that Rakshas ke baal, meni. Ye karte hai na sab log? Chalo, aa jao. To waise agar aap yahan pe aise aise us rassi ko maroge na, now say, let's say this is Piyusha. She is exercising and she is making it go what? Up and down. Isko aise ek bar up maar raha hai, ek bar down kar rahi hai. Aur yahan se Jay is cheez ko dekh raha hai. Jay is watching from here. जय को ऐसा फील होता है, जय को ऐसा फील होएगा, जय नहीं सबको ही फील होएगा कि डिस्टर्ब
कि रस्सी ना ऐसे जा रहा है, आप सबको फील होगा एज इफ द रस्सी इज गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर. अगर आपको विश्वास नहीं होता है देन व्हाट यू डू, टेक वन स्मॉल, एक छोटा सा सैटिन रिबन ले लो और यहां टाई कर दो एंड देन आस्क हर टू डू दिस. नाउ व्हाट विल जय सी, यू नो द डिस्टर्बेंस इज प्रोपोगेटिंग व्हेयरएज दिस रिबन जस्ट गोज अप एंड डाउन. ये रिबन आगे नहीं जाता है. दीज आर ऑल प्रूफ ऑफ दोस सिनेरियोस दैट इन अ वेव इट्स ओनली द डिस्टर्बेंस दैट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम, थ्रू अ मीडियम, राइट, एंड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट प्रोपोगेट, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशन. तो इसमें हम क्या कहेंगे, डू नॉट चेंज देयर पोजिशन, शायद ये करेक्ट नहीं होगा. हम इन्हें कहेंगे पार्टिकल्स डू नॉट प्रोपोगेट, कहेंगे हम इन्हें, डू नॉट चेंज देयर पोजिशन तो नहीं कहेंगे. विल से द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स सॉरी, सो द पार्टिकल्स डू नॉट प्रोपोगेट बट वाइब्रेट. वाइब्रेट मतलब समझ में आया, सम सॉर्ट ऑफ अ टू एंड फ्रो. हाँ, ये सब पढ़ेंगे आगे, टू एंड फ्रो मोशन. हाँ, अबाउट देयर पोजिशन, इसको और बहुत डिटेल, ये तो एकदम इंट्रोडक्ट है. अबाउट देयर पोजिशन, ठीक है, इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ वेव क्लियर टू यू? सो व्हाट इज अ वेव? वेव हमेशा एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है. पीरियोडिक क्यों? ये आया, ठीक एक इंटरवल बाद ये आएगा, ठीक उतना इंटरवल बाद ये आएगा. Wave is a pictorial representation of a periodic motion. Okay. It can be used in chapter of light. The concept of wave can be used in light, alternating current, sound, vibrations, electromagnetic waves, कहीं भी हम पढ़ने, क्योंकि ये सारे चीजों में periodic motion होता रहेगा. जैसे बचाने के लिए आपको बताया ना, जैसे आप engineering में vibration पढ़ोगे, a steam engine. Have you seen a steam engine? Khat 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 kar raha hai. That's a quick return mechanism. Hacksaw blade. There are some certain machines will go on khat 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 kar raha hai. Usme bhi aap wave. Usko bhi aap wave se denote kar sakte ho. In fact, any periodic motion or a periodic function. Ab isse mathematics mein bhi la sakte hai. Periodic function, sine function. That is also a wave. इनफैक्ट साइन का जो प्लॉट होता है ना, वो वेव की तरह ही होता है. इसीलिए तो बोलते हैं नया साइन वेव इन्वर्टर, ये बिल्कुल आपको अल्टरनेट में ही वेव देगा आप. तो वेव का कॉन्सेप्ट हमें ये समझ में आया. अब वेव के कुछ पार्ट्स देखते हैं. लेट्स सी सम पार्ट्स ऑफ दिस वेव आल्सो. सो व्हाट इज अ वेव? अ वेव इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, एनी पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एंड एनी पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एंड रिमेंबर व्हेनेवर अ वेव इज प्रोपोगेटिंग is the disturbance that is propagating. If this girl does not do that TikTok activity, the wave dies down. Particles do not propagate when the wave moves through a media. Now, they will have some motion. Wo hum aage dekhenge. Itna clear hua. Theek hai? Ye hua concept of wave. Theek hai? Ye aapke book mein nahi hoga. Wo bologe shayad zarurat nahi hai, par clear hona hamare liye zarurat hai. Theek hai? Now, before going to sound, we will now go to something called see periodic motion. में बहुत तरह के periodic motion होते हैं. Rotational motion, is it periodic? Yes. Fan में यहाँ पे केक लगा दो, अभी उतने time बाद इधर आएगा, फिर उतने time बाद आएगा, ये भी periodic motion है. What are the other periodic motion? Planetary motions are periodic motion. Can you say some other? Sir, the clock, pendulum. Pendulum में कैसा रहता है? When a body oscillates or vibrates about its mean position. और हम pendulum से ही समझेंगे, क्योंकि pendulum is the easiest way to understand. But that sort of a motion is called a oscillatory motion. That is also a periodic motion. Periodic तो होना ही पड़ेगा, इसलिए तो वो घड़ी है. Every 60 seconds नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? फिर तो घड़ी नहीं हो पाएगा ना. Periodic है. Periodic function के अलग अलग, see the tires of the car rotating is also a periodic motion. But what type of motion, what type of periodic motion we will be looking into? Oscillatory motion. ठीक है ना? Oscillatory motion को बहुत लोग बोलते हैं vibratory motion. Vibratory motion and oscillatory motion are almost same. Oscillatory motion बोलने से typically we think about a pendulum or an oscillatory circuit. जैसे आपने एक flasher circuit बनाया है, टिक टॉक, आप indicator on करते हो ना, टिक टॉक जब आपका गाड़ी turn देता है.
So it makes a sound. See, if you hear two sounds, after that you can do tick tock, that's the oscillatory circuit हमने बनाया है. वो इतने interval में gate को खोलेगा बंद करेगा. So the circuit is completed open. गाड़ी जब turn लेता है, we can do that. Similarly, all this disco show में जो आप करते हो, oscillatory circuit, you can increase the frequency. तो आपका light tick 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 जल रहा है. And what is another thing of wave is, suppose I have a, you know, just chaser light out here. मैं दिवाली में यहाँ पे एक ribbon लगा देता हूँ. And the ribbon is done in such a way, it's a LED ribbon, in which one bulb glows immediately, then the next one glows, and the next one glows, and I start it glowing on my balcony from here. If Pyusha is at her house on the other side, and it's pitch dark night, what she sees, you know, she sees a red dot, tick, 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 आ रहा है. So what is that? That is a wave. She is seeing propagation of that wave. Do you mean to say that the bulbs are changing their position? Nah. But we have made the bulbs glow in such a manner. Band, buj, band, buj, band, buj. Uske human eye ko humne idiot banaya. We are doing that more than persistence of vision. Yes, more than 1/16th of a second we have regulated that speed. Now this girl feels as if the light is continuous. Aise aa raha hai. Tick, 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 tick. Ye jo abhi niche parking mein hai na, exit, exit. Exit. Do you mean to see that the arrows are moving? No, those LEDs glow in that particular interval of time. वो भी एक wave है. वो भी तो periodic motion है. कोई भी घटना आँखों से दिखे, mathematical function जो repeat करता है एक particular interval के बाद, वही periodic motion है. Hammering चल रहा है आपके घर के ऊपर, तो आप क्या बोलते हैं? सारा दिन kit 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 periodic. So the type of periodic motion that we will be bothered about right now, just to understand some basics, because if these terms are clear, then everything becomes clear in our chapter, right? So what we will understand is oscillatory motion. Oscillatory motion matlab jo oscillations ke sath hota hai, ye sare terms ko seekhenge ek ek karke, theek hai? So before that, let me first make one basic sa pendulum to ek bana liya jaye. एक पेंडुलम बना लिया जाए, ठीक है. आइए अब इसके पार्ट्स को देखते हैं. ठीक है, नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड द बॉब ऑफ अ पेंडुलम. ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग कैन नॉट बी इलास्टिक नॉर इट शुड बी स्ट्रेचेबल. स्ट्रेचेबल भी नहीं होना चाहिए, इलास्टिक भी नहीं, रिजिड स्ट्रिंग है. और जब हम पेंडुलम के लेंथ की बात करते हैं, हालांकि आपको ग्रेड 9 में कोई पूछेगा नहीं, व्हेन वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, वी आर एक्चुअली मेजरिंग फ्रॉम दिस पार्ट टिल द सेंटर ऑफ द बॉब. लेंथ ऑफ अ पेंडुलम हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज ऑलवेज the length from the point of suspension to the center of the bob. ye hota hai length. isliye when you do this experiment they will give you a vernier caliper, you are supposed to measure the diameter of this, make it half, that is the length. theek hai, ye hamara pendulum hai. aur ye string elastic nahi hona chahiye, matlab khinch yo yo type nahi hona chahiye, number 1. na hi ye dheela hona chahiye, it should be in tension, the tight held, right? now iske baad aise position pe अब एक और चीज देखते हैं. हाँ, ये मिल गया. सो दिस पर्टिकुलर मोशन एट विच द पेंडुलम इज एकदम चुपचाप शांत होके बैठा है, इसको ना इसको हम कहते हैं मीन पोजिशन. मीन पोजिशन, या फिर इसको हम ये भी कहते हैं सेंट्रल पोजिशन. ये सेंट्रल पोजिशन, ये मीन पोजिशन है. हैव यू अंडरस्टूड? Now what we do, we drag this pendulum and we take it to, say, इस साइड में ले चलते हैं. ठीक है, ये साइड में ले चलते हैं और have you understood? ये चले गए. अब I don't know why they did not give a double-sided arrow. I don't see a double-sided arrow. बार बार ये थोड़ी लोगे ही सोलो. Yes.
हाँ उससे पहले ये वाला पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. सो ऑब्वियसली यू विल हैव एन एक्सट्रीम राइट, दिस इज ई आर, एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड वी विल हैव अ ई एल, एक्सट्रीम लेफ्ट. एंड दिस, ये जो आप मूव किए हो ना, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. एंड एम्पलीट्यूड को हम प्लस और माइनस में हायर क्लासेस में देखते हैं, इस साइड जाएगा तो प्लस एम्पलीट्यूड है, उस साइड जाएगा तो माइनस एम्पलीट्यूड है. स्पीकर कैसा? ऐसा. या से सपोज ये तुम्हारा लाउड स्पीकर है ना? अब ये लाउड स्पीकर कैसा है? तुम गाना बजाते हो ना, कैसा बजाते हो? अरे यार ये इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, ऐसा आता रहेगा. डिड यू अंडरस्टैंड? दिस दिस वन इज द मेम्ब्रेन ऑफ द स्पीकर. सो द मेम्ब्रेन ऑफ द स्पीकर विल गो दिस साइड एज वेल एज दिस साइड, एस लाइक दिस. उसने तेरा तौबा तौबा ऐसा कर रहा है. ये अगर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये नेगेटिव है. समटाइम्स इफ यू कनेक्ट द स्पीकर रॉन्गली, ये उल्टा साइड वाइब्रेट करेगा, फटेगा तुम्हारा स्पीकर. और जब आप एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, सम कॉमन थिंग्स लाइक वी विल नो लाउडनेस, लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड. द मोर लाउड अ साउंड इज, द मोर इज द वाइब्रेशन. इसलिए ज्यादा लाउड दे दोगे तो स्पीकर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ऐसा करना शुरू कर. दैट इज लाउडनेस, ठीक है? और वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. सो लेट्स टेक वन मोर साइड, इस और दूसरा साइड भी इसका कंप्लीट कर लेते हैं. राइट और अगर फ्रिक्शन विक्शन नहीं हुआ ना, तो जितना इस साइड गया था उतना इस साइड जाना चाहिए सर. लेकिन फ्रिक्शन तो होगा, तो उतना नहीं जाएगा, उससे थोड़ा कम ही जाएगा. सो एक्सट्रीम राइट, सो दिस विल बी नोन एज माई एक्सट्रीम लेफ्ट. ओके, इन दिस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, डू वी अंडरस्टैंड वॉट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ये सब ग्रेड 8 टॉपिक है. लेकिन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू आइदर एंड, एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम. अच्छा, एम्पलीट्यूड ऐसा भी तो कोई चीज हो सकता है ना, टक 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 मार रहा है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने दबा दिया, एम्पलीट्यूड छोड़ दिया, मीन पोजिशन से स्प्रिंग ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. हाँ एवरीथिंग. तो एम्पलीट्यूड इन दैट केस, वाई एक्सिस में टॉप जाने से हम उसे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड लेंगे, नीचे जाने से हम उसे नेगेटिव एम्पलीट्यूड लेंगे. तो एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन. एंड व्हाट डू वी से, द पेंडुलम और द बॉब ऑसिलेट्स. ये जो हमारा बॉब है ना, दिस बॉब इज एक्चुअली ऑसिलेटिंग. इज दैट क्लियर टू यू? That oscillation में इस pendulum और this thing is called this pendulum is oscillating about its mean position, इसलिए इसे हम कहते हैं oscillatory motion. सारा study हम इसके ऊपर ही करेंगे. In higher classes you will understand there is another motion called simple harmonic motion. अच्छा, तो झूला can also be oscillatory motion ना, बच्चा झूला झूल रहा है, झूला. ये 12 में बहुत बच्चे नहीं समझते हैं, what is the difference between oscillatory and simple harmonic? सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक होने के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इट हैज टू बी वेरी स्मॉल, सो दैट दिस इज ऑलमोस्ट लीनियर. एक्चुअली ये लीनियर नहीं होगा, ये तो रेडियस में ऊपर जाना चाहिए ना, कर्व होना चाहिए. इफ यू सी दिस डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी कर्व. द कर्व, इट शुड नॉट बी कर्व. सो द फर्स्ट थिंग एज एन एक्सटर्नल हु कम्स एंड सीज योर एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट यू डू, अगर आपने ऐसा लेके वाइब्रेट कराया ना, अब एग्जामिनर आपको जीरो देगा. इट शुड बी वेरी स्मॉल लाइक दिस, सो दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट लीनियर. लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन.
उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. झूला इज ऑसिलेटरी मोशन, झूला इज नॉट सिंपल हार्मोनिक. एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन लेके आपके 12 में सब स्टडी है. तो इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन एंड वेव्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत क्लियर है यहाँ से. एटलीस्ट ऑसिलेटरी मोशन तो समझ में आना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड एम्पलीट्यूड नाउ? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन टू आइदर द एक्सट्रीम राइट और द एक्सट्रीम लेफ्ट. आर वी क्लियर अबाउट इट? ओके. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू लर्न इज what do we understand by time period? Time period क्या होता है? Time period जानने से पहले हमें जो चीज जानना होगा उससे भी पहले जानना होता है वो होता है cycle क्या हो. Cycle को जानने से पहले cycle जानेंगे तो ही time period जानेंगे. Cycle को जानने से पहले हमें समझ में आना चाहिए टू एंड फ्रो का मतलब क्या है. ठीक है. सो व्हाट डू वी डू टू अंडरस्टैंड टू एंड फ्रो? टेक द बॉब एंड टेक इट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, योर चॉइस. सर कैन वी नॉट डू दिस फ्रॉम द सेंटर? वी कैन डू दिस फ्रॉम द सेंटर, इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. टेक इट टू वेयर? टू द एक्सट्रीम लेफ्ट से. ओके. एंड आई गिव दिस एज, आई कॉल दिस एज पोजिशन वन. This is my position one. ठीक है. From here I release the bob. Where does the bob go? Till here. Attains position two. Have you understood? This is called one two motion. One two motion. काइनेटिक एनर्जी, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी स्लोली, ये सब फिर पढ़ोगे 12 में. द काइनेटिक एनर्जी स्लोली रिड्यूसेस. यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आउट हियर, देन द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन एज इट गेन्स हाइट अगेन द काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो. काइनेटिक एनर्जी जीरो तो ये रुक गया है ना, यहाँ पे रुक गया. और यहाँ पे जब रुक गया तब क्या हो जाता है? ग्रेविटी इज एक्टिंग एट इट्स, ग्रेविटी अपना मैक्सिमम पावर दिखा रहा है. ग्रेविटी हर वक्त दिखा रहा है पर यहाँ पे मैक्सिमम आ गया. ठीक है, वो सब आगे देखेंगे ना, अभी नहीं. अभी हम सिर्फ टू वन टू मोशन. फिर सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन इज लीस्ट हियर एंड द एक्सेलरेशन बिकम्स मैक्सिमम आउट हियर, द वेलोसिटी बिकम्स जीरो. अब फिर उसके बाद क्या होता है? आर ऑब्जेक्ट अगेन कम्स फ्रॉम टू एंड द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू वन एंड दिस पोजिशन इज नाउ थ्री. दिस इज कॉल्ड वन फ्रो मोशन. ये समझ में आया? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर इज वन टू एंड अगेन रिटर्निंग. क्या हुआ पीछे? कुछ समथिंग इज बॉदरिंग यू? सो दिस इज वन टू एंड वन फ्रो. क्लियर? वन टू एंड वन फ्रो. सर सेंटर से नहीं कर सकते? कर सकते हैं. सेंटर से करने से जॉब मुश्किल क्या हो जाता है? सेंटर से यहां जाके यहां आना इज वन टू, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसको समझने में. दैट्स व्हाई वी टेक इट टू वन साइड. झूला इधर ले लो. सर इज टू एंड फ्रो मोशन वैलिड इन अ स्विंग? यस, स्विंग इज एन ऑसिलेटरी मोशन. ऐसा ले लो, बच्चा छोड़ दो, बच्चा वी टू वी फ्रो, वी टू. ठीक है, तो टू एंड फ्रो को टिक मार सकते हैं. बच्चा समझ में आया? अच्छा, साइकिल का मतलब होता है, साइकिल का मतलब होता है वन टू एंड वन फ्रो. इसको हम कहते हैं one oscillation. Get your concept clear. One cycle or one oscillation. Basically, periodic motion की भाषा में देखे तो पहले bob कहाँ था? यहाँ था. पूरी परिक्रमा करके फिर यहाँ आया. एक period खत्म हुआ. Earth went round the sun and again came back. And you party in the pub. Happy New Year. And other aliens are looking. So look at the morons. Their planet just completed one circle and they are drinking and celebrating at night. Obviously, इससे बड़ा तो New Year कोई चीज नहीं है. एक cycle पूरा हुआ आपका, एक time period measure हुआ, उसी पे आप नाच रहे हो, गा रहे हो, है ना? तो इसको हम कहते हैं one two and one fro is one oscillation. Are we clear on this? अच्छा, अब आते हैं time period का मतलब क्या होता है. Time period होता है
टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और वन ऑसिलेशन। अब देखो सीजन का बदलना, एक साइकिल है ना, एक समर एक विंटर सब लेके सीजन बदले, ऑसिलेशन। तो इसीलिए हम कहते हैं एक साल एक साइकिल के जैसा है। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन साइकिल इज 365 1/4 डे। सो अर्थ का ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। सर पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में डिफरेंस क्या? पीरियोडिक इज द बिग मदर, उसके अंडर में क्या क्या आता है? रोटेशनल मोशन। अर्थ का रोटेशनल मोशन है, अर्थ का है कर्विलिनियर मोशन, ऐसे घूम के आ रहा हूं ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक रोटेशन मार के आ रहा है अर्थ, पूरा घूम के आ रहा है, रेवोल्यूशन मार के आ रहा है, रोटेशन रेवोल्यूशन इज द वर्ड, ठीक है। तो ये भी पीरियोडिक है, क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फिर अपने इनिशियल पोजिशन पे आ जाता है। वेरी गुड, क्लॉक को देख लो, पेंडुलम ऐसे जाके फिर आ जाता है एक पर्टिकुलर टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। पेंडुलम में टाइम पीरियड क्या होता है? 1 सेकेंड। द पेंडुलम हैज टू गो एंड कम बैक, गोइंग इज 30 हाफ सेकेंड, कमिंग बैक इज 1/2 सेकेंड, दैट्स वन। 1 सेकेंड से अगर आपका पेंडुलम ज्यादा टाइम पीरियड ले रहा है तो आपका घड़ी स्लो है, कंपेयर इट विद द ग्रैंडफादर्स क्लॉक्स, नॉट दीज वंस, दीज आर वेरी एक्यूरेट नाउअडेज। इफ यू हैव दोज पेंडुलम्स एंड द पेंडुलम इज टेकिंग मोर देन 1 सेकेंड टू कम बैक, दैट मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज नॉट 1 सेकेंड, इट्स 1.3 सेकेंड्स, आपका घड़ी स्लो है। एंड इफ द पेंडुलम इज कमिंग बैक मच मोर फास्टर देन 1 सेकेंड, देन योर घड़ी इज फास्ट, सिंपल इज दैट, ठीक है। शैडो फॉर्मेशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, राजा सवाई मान सिंह, इफ यू गो टू जयपुर, उसमें क्या है, जंतर मंतर में क्लॉक बनाया, तो उसमें क्या है, इतना मोशन के बाद दैट शैडो अगेन कम्स बैक, पीरियोडिक मोशन। हम लोग पीरियोडिक मोशन में एक स्पेशल मोशन को उठा लिए हैं, ऑसिलेटरी मोशन। पेंडुलम भी क्लासिफाई होता है, झूला भी क्लासिफाई होता है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन को समझना आसान है, इसको फिर अभी वेव्स के साथ भी तो डालना है ना। नाउ यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, सो हैव यू अंडरस्टूड? यहां पे आ गया तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से छोड़ा, यहां गया 1-2, 1-4, 1-2 and 1-4 इज 1 साइकिल। 1 साइकिल को करने में जितना टाइम लेता है दैट इज 1 टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड का यूनिट जो हमारा होता है दैट इज इन सेकेंड्स। हैव यू अंडरस्टूड? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, ओके। नाउ लेट्स से वी हैव एन एक्सपेरिमेंट इन विच वी आर सपोज टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, राइट। This experiment is never done by one person because one person cannot do. What all do you need? Apparatus do you need? You need a pendulum setup. You need a stop clock. एक आदमी कर ही नहीं सकता है। Time period मतलब one oscillation में कितना time लेता है? जब तक आप छोड़ेंगे आ जाएगा, आप stop clock संभालोगे, इसको संभालोगे, ऐसा नहीं। So this experiment will be said done by me and Angad together. We'll do together. How we do? So I give the stop clock to him. I put the pendulum out here. खींच लिया इसको. And I tell to Angad, 1, 2, 3, start. And I release it. As soon as I release it, he switches on his stop clock. Jata hai, aur phir aata hai. And he has to switch it off. But he can't be that accurate. So what do? We say, Angad will take 30 oscillations. Observation will be better. And as soon as it comes here, I say 1, 2, 3. इसलिए दो ग्रुप्स को ये एक्सपेरिमेंट देने से आसपास नहीं देता है, हम तो बदमाशी करके बाजू वाले को 18, 20 उसका काउंटिंग बिगाड़ने के लिए 9, 10, नाउ से 30 पे अंगद को हम बोलते हैं 30, 39, गेट रेडी 30, एक साथ बंद कर दिया। सो वी रिकॉर्डेड फॉर हाउ मच? 30 ऑसिलेशंस के लिए, एंड देन वी डिवाइडेड बाय 30 सो दैट वी गेट फॉर 1 ऑसिलेशन। नाउ इट्स एन एक्सपेरिमेंट, so we will repeat it for 2-3 number of times, 30-30-30 or 30 oscillation, 15 oscillation, 10 oscillation, time period to time period hai. And then we take an average of all the 3 data so that our data comes more and more accurate. Have you understood? ठीक है, तो चलो आपने, तो यहाँ पे हमें amplitude की बड़ी जरूरत होती है, time period की जरूरत होती है, cycle भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद एक और word आता है और वो है frequency। अच्छा बच्चा, ये सब दीज आर नथिंग रिलेटेड, ये मत समझना कि ये सिर्फ साउंड चैप्टर में है। राइट नाउ वी हैव अ अल्टरनेटिंग करंट हुज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, वी आर इन इंडिया, इन यूएस द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज,
50 हर्ट्ज, हर चीज में फ्रीक्वेंसी है. एनीथिंग वेयर देयर इज अ पीरियोडिक मोशन विल हैव रेडियो वेव्स है, तो उतना फ्रीक्वेंसी है. टाटा स्काई में स्टार प्लस आ रहा है, 3145 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी उसमें भी रहेगा. वॉकी टॉकी यूज करते हैं उसमें भी फ्रीक्वेंसी है. सो एज आई टोल्ड यू दीज आर ऑल रिलेटेड टू वेव मोशन. वेव मोशन में फ्रीक्वेंसी तो रहेगा. हम सोचते हैं फ्रीक्वेंसी, फिर हम तो वही सोचते हैं फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चा चीखता है तो शिलनेस ज्यादा है, औरत चीखता है, दैट इज व्हाट वी हैड हर्ड अबाउट इन ग्रेड 8. नाउ यू गेट ऑल आवर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स, ऑलवेज रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितना बार होता है, ये पूछो हमेशा. व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीइंग माय फेस एंड मी टॉलरेटिंग यू गाइस एंड यू गाइस टॉलरेटिंग मी? थ्राइस इन अ वीक. एक वीक में तीन बार मेरा बदसूरत देखते हो और मैं आपको बर्दाश्त करता हूं. तो इसमें भी वही बात आती है, फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी बोलने से ही आप मन में रखिएगा, इट्स अ मेजरमेंट अगेंस्ट टाइम. सो द क्वेश्चन इन फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी साइकल्स पर सेकंड और हाउ मेनी साइकल्स इन वन सेकेंड. एक सेकंड में कितना साइकिल होता है? सो लेट्स पुट सम रफ फिगर्स. इफ योर टाइम पीरियड इज वन सेकंड, मींस इन वन सेकंड एक साइकिल कंप्लीट हुआ. तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, वन. एक सेकंड में एक साइकिल होता है. व्हाट इज द टाइम पीरियड? एक साइकिल होने में एक सेकंड लगता है. एक किलो आम का दाम क्या है? 20 रुपए. 20 रुपए में कितना किलो आम मिलता है? इट्स जस्ट लाइक दैट, रिवर्सिंग द क्वेश्चन एंड आस्किंग यू. नाउ से द टाइम पीरियड इज, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम दैट मी एंड दिस फेलो डिड, आवर टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स. मतलब एक साइकिल करने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड. अब सवाल पूछो एक सेकंड में कितना साइकिल होता है? हाफ साइकिल. तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? हाफ. तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, frequencies unit is always CPS, cycles per second, या फिर इसे हम hertz बोलते हैं. Hertz is after Heinrich Hertz, German scientist. Hertz के ऊपर. अच्छा, इसके यूनिट क्या होगी? देखो, in one second how many cycles? तो इसका hertz is nothing but same as second to the power minus one. ये सब नोट कीजिएगा, आपको 9 में भी है, लेकिन हाँ ऐसे भी आपको ये वीडियो जा रहा है, nothing. Pay attention. And now tell me one thing. In our experiment, we said that the time period that we found was how much beta? 2 seconds. How much was the frequency that you found out? Half hertz. Or half second inverse, or you can say half CPS, or you can say half hertz. तो ये दोनों में रिलेशन क्या होता है? ये दोनों का रिलेशन होता है टाइम पीरियड इज ऑलवेज 1/frequency एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1/time period. अगेन ग्रेड 8 स्टफ. बोलो बच्चा, यहां तक एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड और यू हैव नॉट बीन एबल टू अब्सॉर्ब, वी कैन, बिकॉज इससे आगे हमें जाना है. अभी साउंड पढ़ना है तो ये सब चीजें हमें चाहिए. एम्पलीट्यूड, विल गेट प्रॉब्लम्स ऑन फ्रीक्वेंसी, विल गेट प्रॉब्लम्स ऑन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन वन सेकंड. फ्रीक्वेंसी, जैसे आप टैली मार्क्स बनाते थे ना, डेटा कितनी बार रिपीट कर रहा है, एक सेकेंड में कितना बार आ रहे हैं. So, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट आपके हमारे घर में है 50 हर्ट्ज, मींस एक सेकंड में 50 बार पल्सेट करता है ये. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 50 बार हो रहा है. इसलिए ये बल्ब लगाने से बल्ब भी बनना चाहिए, बुझना चाहिए, बनना चाहिए, बुझना चाहिए. बट इन वन सेकेंड हाउ मेनी टाइम्स इट इज चेंजिंग? 50 टाइम्स. योर ह्यूमन आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट. योर ह्यूमन आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट. हाउएवर देयर आर सम थिंग्स लाइक Not the television of these days. अगर आपके पास वो पुराना टेलीविजन है ना, तो पुराने टेलीविजन में इट्स अ रिफ्रेशिंग रेट में चलता है. Nowadays televisions are all LEDs which are glowing. Earlier days television used to be a raster scan, means a refresh is happening. You continuously see अमिताभ बच्चन fighting पूरा, लेकिन अगर आप एक वीडियो कैमरा डाल दोगे ना, आपको रोलिंग दिखेगा. Because there's a
दैट इज बिकॉज यू कैन पुल द वीडियो कैमरा. ठीक है. सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज साउंड. अब पेंडुलम बड़ा इजी चीज है. थोड़ी देर के लिए अभी एक स्प्रिंग को देखेंगे हम लोग. ठीक है. वी विल ऑल्सो सी अ स्प्रिंग. ये हो गया, देख लीजिए. कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो इसको मिटा सकते हैं हम लोग. मिटा दो, मिटाए. आइए, थोड़ा एडवांस लेवल है पर ऐसे पढ़ो तभी समझ में आएगा, वरना बेकार रहेगा. ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेटअप है और वो सेटअप कुछ ऐसा है. वो सेटअप कुछ ऐसा है. इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, राइट. एंड एंड यहाँ पे ठीक हमने स्प्रिंग से एंड दिस इज माय दिस इज अ रिजिड सपोर्ट. दिस इज अ रिजिड एंड, फिक्स्ड एंड है. देयर इज अ स्प्रिंग एंड अ मास इज केप्ट आउट हियर. क्लियर. इसमें भी ऑसिलेटरी मोशन दिखेगा अभी आपको. देखो तो ये ड्रॉ नहीं करने से एवरी टाइम इन योर दिमाग ओनली वन थिंग कम्स एंड दैट वन थिंग इज व्हाट सर ओनली वाइब्रेशन. ऐसा नहीं है. ओनली पेंडुलम, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ऐसा ये अभी क्या है. व्हाट डिड आई ड्रॉ. आई हैव ड्रॉन व्हाट इज द मीन पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक. दिस इज द मीन पोजीशन, राइट. नाउ व्हाट आवर फेलो डज. आवर फेलो कम्स एंड ही कोशिश करता है. नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा. So let's say our fellow comes and he now drags this till here. अब आप दूसरा वाला डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, because this diagram will get distorted. Okay? So now my spring is stretch हो गया है. ऐसे. ठीक है. ये जो distance हम यहाँ पे cover किए ना बच्चा, ये जो है इसको स्प्रिंग की भाषा में हम क्या बोलेंगे. नॉट फ्रॉम हियर. आई वुड रादर से फ्रॉम, आई वुड से फ्रॉम सेंटर टू सेंटर. सो दिस मच इज व्हाट, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग. और आप इतना खींच के ना शैतान बच्चे की तरह छोड़ देते हो, पंग करके ये पीछे भी आएगा. दिस ब्लॉक इज गोइंग टू कम ऑन द बैक साइड ऑल्सो. ये ब्लॉक पीछे भी आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा. Clear? Yes. Are you able to understand? और इस वक्त आपका स्प्रिंग क्या हो जाएगा. इस वक्त आपका स्प्रिंग एकदम ऐसा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंस्ट्रेंट. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ कंस्ट्रेंट. खींच दिया ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया है. देन इट विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी करके क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी डाल देगा. हाँ बढ़िया, समझ में आ रहा है तुम्हें. और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, फिर ये. और अगर इन सब चीजों में कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं होता था तो ये सिस्टम सारा जिंदगी के लिए चलता था परपेचुअल टक 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 टक. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज देयर वुड हैव बीन नो एक्सटर्नल फोर्स. नाउ देयर आर एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एयर, ऑल दिस कम्स इन. ठीक है, गुड. तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा कहलाएगा कंप्रेशन. क्या ये एम्पलीट्यूड नहीं है. यस, दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए, दिस इज मीन पोजिशन. सो इज दिस ऑसिलेटरी मोशन. यस, टक 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 कर रहा है. उसी तरह गाड़ी के ऊपर डैशबोर्ड में मिकी बिठाते हैं बहुत लोग, स्प्रिंग के ऊपर मिकी, और मिकी ऐसे 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 करते रहता है ऑसिलेटरी. यू विल नीड दिस टू डिजाइन. सपोज यूर सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वेरी स्टाइलिश. आप जब गाड़ी में यू आर टेकिंग योर बाइक and the roads are not so good, there are potholes, so what do we have shock absorbers in the bike. Shock absorber mein kya rehta hai, spring rahega. As soon as you get inside that particular gadda, agar wo rigid hota to aapke elbow mein pain aa jayega. To aap kya karte ho, you compress the spring and then by the time you get up the spring again opens up, so your ride becomes much more comfortable. Cars which are costly cars invest on their suspension system.
बोलेगा दिस कार हैज गॉट मैकपर्सन स्ट्रट कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सिस्टम, तो आपका गाड़ी एकदम आराम से वहीं बुलक कार्ट में जाओगे तो भैया धीरे ले जाओ, ट्रक ड्रुक करके आवाज होगा, समझ में आ रहा है।